बहुत बहुत बड़ा योगदान है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और कॉमेडी जगत में. आज कोई ऐसा बच्चा नहीं है हिंदुस्तान में, बूढ़ा नहीं है जो राजीव निगम के नाम से अनजाना हो. सो जोरदार तालियां बजाएं राजीव निगम जी. जो किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है, विवेक ओबेरॉय जी, शायद वो अभी रास्ते में रह गए हैं, बट उनका भी सम्मान आवश्यक है. तो के सम्मान के लिए सर विवेक ओबेरॉय की, विवेक ओबेरॉय जी के जगह पर उनका सम्मान ग्रहण करते हुए दिलीप जी. एक बार जोरदार तालियां सभी मेहमानों के लिए. और हमारे मध्य दोनों लोग मिलकर सामूहिक रूप से सम्मान होना चाहिए. हाँ, सर्दी का मौसम है, साल ओढ़ने में कोई दिक्कत नहीं सर. जितने भी टीम के प्लेयर्स हैं लखनऊ नवाब के, वो सारे नवाब ऊपर आ जाएं. Channels. It was very entertaining. It is entertaining and I'm sure जब ये चलेगा तो काफी लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे. पर्सनली आप फॉलो करते हैं क्रिकेट को, कितना एंथुसियास्टिक हैं क्रिकेट को फॉलो करने में? जब से घपले शुरू हुए मैंने फॉलो करना बंद कर दिया. इंटरेस्ट नहीं रहा? नहीं नहीं, इंटरेस्ट है. आई फॉलो द मैचेस एंड अदर थिंग, बट आई थिंक नॉट द वे दैट वन वुड हैव फॉलोड अर्लियर. पर इस किताब की बात में दर्द भरी मुस्कान, तो रियल लाइफ में भी जो सिचुएशन इस तरह आती है तो कैसे हैंडल कर सकते हैं आदमी? नहीं देखिए, किताब जो है वो कमला जी के संस्मरण है. मैंने लीफ करके उसमें देखा
एक तो भाषा उसमें बहुत बढ़िया लिखी है और भाषा के साथ भावनाएं जब पूरी पढ़ेंगे तो और उसका मज़ा आएगा। अभी तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, जिस ये कहना चाहिए कि किसी स्क्रीन प्ले से कम नहीं है। देखिए समय होगा तो ये पकड़ लीजिए। जो हमारे मित्र हैं डॉक्टर नितिन मिश्रा, उन्होंने जब मुझे बताया कि आज एक बुक का लॉन्च है और वो बुक जो है उनकी माताजी ने लिखी है और रिटायरमेंट के बाद लिखी है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं यहाँ आया इनको मुबारकबाद देने के लिए। और उनकी माताजी से भी मेरी मुलाकात हुई और जितनी भी देर बात हुई तो मुझे ये उम्मीद है कि वो एक अच्छी लेखिका हैं और जो ये बुक है उसमें इंशाल्लाह मुझे लगता है कि जिस तरह का इसका टाइटल है दर्द भरी मुस्कान, ये अपने आप में टाइटल ही बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये जो बुक है वो भी उतनी ही खूबसूरत दिखी हुई होगी, इसलिए मैं आया। मैंने बहुत वक्त से अभी किताबें नहीं पढ़ी, लेकिन मेरी जो मेरा बचपन गुजरा है और जब तक जवानी रही है, अभी मैं बूढ़ा मतलब एज हो गई है, बट बहुत मैंने किताबें पढ़ी हैं। मतलब अभी जो फिल्मों में थोड़ा सा मैं इतना बिजी हूँ कि नहीं पढ़ पाता हूँ और उसका दुख भी होता है मुझे, इसलिए कि आजकल जो है वो बुक पढ़ने से ज़्यादा मैं वर्ल्ड सिनेमा देखता हूँ और बाकी सब करता हूँ। लेकिन हाँ, ये कोशिश करता हूँ कि जिस किताब के बारे में कुछ सुनूँ मैं कि बहुत अच्छी है, वो कोशिश करके मैं पढ़ता हूँ। बॉलीवुड और कोई किताब लिखना चाहेंगे अपने? नहीं, मुझे लगता है मुझे किताब मैं नहीं लिखना चाहूँगा, शायद मैं लिख नहीं पाऊँगा, इसलिए कि ये जो किताब लिखना है वो एक अलग ही आर्ट है और जो आज तक मैं करता रहा हूँ वो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग फिल्मों के लिए। तो फिल्में लिखना, किताबें लिखना, स्टेज प्ले लिखना, मुझे लगता है ये सारे एक अलग अलग आर्ट हैं और वो शायद आर्ट मुझमें उतना नहीं होगा, मैंने कभी कोशिश नहीं की। और मैं बहुत खुश हूँ फिल्में लिखकर, तो मे भी जिस तरह हमारी जो कमला जी हैं इन्होंने जो रिटायर होने के बाद लिखा है, तो हो सकता है कि जब मैं रिटायर हूँ उसके बाद शायद कुछ सोचूं, लेकिन फिलहाल तो मैं अपना बिजी हूँ फिल्में लिखने में। लास्टली ये बता दीजिए, आप ब्रांड प्रमोटर हैं, क्रिकेट और बॉलीवुड का तालमेल काफ़ी अच्छा है, तो किस तरह से इस ब्रांड को मुझे लगता है कि जितने क्रिकेटर हैं वो सारे ही एक्टिंग भी करते हैं और जितने एक्टर्स हैं उनको सारों को शौक है क्रिकेट खेलने का। इवन मैं जो है बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता रहा हूँ, क्रिकेट जो है मेरा सबसे कह सकते हैं कि मन पसंदीदा गेम है। और जब हमारे जो दोस्त थे नितिन भाई, इन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पर जो यह है लॉन्च भी हो रहा है इनका वेबसाइट लखनऊ नवाब के, जो ये क्रिकेट है ये मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होगा, इसलिए कि फॉर्मेट तो सेम ही है, 10 ओवर का है, लेकिन जो ये बॉल है वो डिफरेंट है और इसमें यह है कि बहुत सीरियस गेम के बजाय वो गेम के साथ साथ एक मस्ती मजाक भी है, तो ये एक अलग लेवल पे लोगों को इंटरटेन करेगा। और मुझे लगता है कि ये जिस फॉर्मेट में ये जो कर रहे हैं BCL, ये बहुत कामयाब होगा और मेरी दुआएं भी इनके साथ। कॉन्सेप्ट कितना इनोवेटिव है, कितना इंटरटेनिंग कॉन्सेप्ट है? आई थिंक इट्स वेरी इनोवेटिव बिकॉज क्रिकेट लीग तो